तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाढ़ को रोकने वाली नई तकनीकों और आविष्कारों की जानकारी लेकर, जो आपका काफ़ी ज्ञान तो बढ़ाएंगी ही साथ आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। मेगा सिक्योर, यह कमाल का आविष्कार देखने में जितना साधारण लग रहा है वह कहीं ज़्यादा उपयोगी है बाढ़ जैसी परिस्थितियों से आपको सुरक्षित रखने में। एक विशेष प्रकार के डिज़ाइन के कारण जैसे ही पानी इसके अंदर जाता है तो यह पानी को आगे नहीं बढ़ने देते और पानी मानो वहीं थम जाता है, और जैसे जैसे और अधिक पानी आता जाता है तो यह तरपाल नुमा ढांचा और अधिक बढ़ता जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अंदर समाने के लिए। यही नहीं, इसका प्रयोग छोटे नदी नालों में भी किया जाता है पानी का स्रोत बनाने के लिए। इसे पानी के नाले में फंसाकर पानी को रोका जाता है और फिर उस रुके हुए पानी को आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल में ला सकते हैं। एंटी अर्थक्वेक बेड, प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप भी एक बेहद बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए जो कि ऊंची-ऊंची इमारतों में रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इस्तेमाल किए जा सकने वाले एक ऐसे बेड का प्रारूप तैयार किया जा रहा है जो आपकी उस मुश्किल घड़ी में मदद करेगा। यह विशेष प्रकार का बेड भूकंप के कंपन को महसूस करते ही तुरंत अपने आप को फोल्ड कर लेता है और उसमें सोने वाला शख्स एकदम सुरक्षित रहता है, और अगर वह शख्स काफ़ी लंबे समय तक मलबे में दबा भी रहता है तो बेड के ठीक नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ खाने पीने का सारा सामान भी पहले से वहां रखा होता है, तो ऐसे में वह शख्स वहां काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो कहा जा सकता है इस प्रकार का आविष्कार आपको उस संकट की घड़ी में जीवित रखने में सक्षम होगा। फ्लड ब्रेक, यह बेहद खास उपकरण लोग अपने घरों के मुख्य द्वारों में लगाते हैं बाढ़ के पानी को घरों में घुसने से रोकने के लिए। यह विशेष प्रकार का ढांचा रिमोट से संचालित किया जा सकता है। जब भी बाढ़ का खतरा बनता है तो इसे रिमोट के द्वारा चालू कर दिया जाता है और फिर यह 90 डिग्री के कोण पर खड़ा हो जाता है और बेहद तेज रफ्तार से आने वाले बाढ़ के पानी को भी बड़ी सरलता से रोक लेता है। एस्केप रेस्क्यू सिस्टम, यह खास तकनीक विशेष तौर पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आग अथवा अन्य किसी आपदा के दौरान लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालने के काम में इस्तेमाल की जाती है। बिल्डिंग की छत पर पहले से ही एक लिफ्ट नुमा सिस्टम फिट कर दिया जाता है और जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचते हैं
तो वे इन एक के ऊपर एक लगे तीन अलग अलग चैम्बर्स में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे ऊपर वहां ले जाया जाता है जहां पर लोग फंसे होते हैं। इन चैम्बर्स के चारों ओर एक विशेष आवरण होता है जो लोगों को आग वगैरह से सुरक्षित रखता है। जैसे ही यह चैम्बर्स लिफ्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक एक करके उनमें बैठा दिया जाता है और जमीन पर सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है। डैम ईजी, यह छोटा सा उपकरण बाढ़ के पानी को घर के अंदर घुसने से रोकने का काम करता है। यह आकार में जटिल नहीं बल्कि बेहद सरल होता है। बाढ़ का खतरा बनने पर इसे लोग अपने घर की चौखट दरवाजों पर बड़ी सरलता से फिट कर सकते हैं। इस उपकरण के किनारों पर रबर की सील होती है जिससे उस रबर की सील में हवा भर जाती है और वह बिल्कुल टाइट हो जाता है दरवाजे के साथ। जिसके बाद पानी की एक बूंद भी घर के अंदर नहीं आ पाती और जिससे घर को सुरक्षित रखने में सहायता होती है। रैपिडैम, यह कमाल का तरपाल नुमा ढांचा बाढ़ के पानी को रोकने का काम करता है। इसे लगाने के लिए पहले से ही सरकार के द्वारा जगह जगह रोड पर इन्हें लगाने का प्रबंध कर रखा होता है बाढ़ संभावित स्थानों पर। फिर कर्मचारी इन ढांचों को खड़ा करने के लिए इस तरपाल में लंबी लोहे की रोड्स को फिट कर देते हैं ताकि यह एक आकार ले सके। उसके बाद कर्मचारी इन्हें 45 डिग्री के कोण पर खड़ा कर देते हैं और जब बाद में बाढ़ का पानी इस दिशा में आता भी है तो वह इन तरपाल के ढांचे से आगे नहीं बढ़ पाता और उस स्थान को सुरक्षित बनाए रखता है बाढ़ के पानी से। द सैंड मास्टर, यह विशेष प्रकार का उपकरण दरअसल बोरियों में रेत को भरने का काम करता है। इस मशीन के मुहाने में बड़े बड़े गोल गोल सुराख होते हैं। इन सुराखों में बोरियों को एक ढांचे के साथ बांधकर इसमें फिट कर दिया जाता है। और फिर चालक मशीन के अगले मुहाने को रेत में डाल देता है जिससे कि रेत इन बोरियों में भर जाती है। इस प्रकार की रेत की बोरियों का इस्तेमाल दरअसल बाढ़ के पानी को रोकने के लिए किया जाता है जहां पर रेत के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है बाढ़ को रोकने के लिए। एगेरिस, यह विशेष प्रकार की बेहद क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी दरअसल बड़े शहरों के अंदर समुद्र अथवा नदियों के पानी को घुसने से रोकने के काम में इस्तेमाल होती है। जैसे ही पानी का स्तर ऊंचा होता है तो इस उपकरण में लगे सेंसर उसे भांप लेते हैं और साथ में ही लगी लोहे की विशाल एवं मजबूत दीवारें उभर आती हैं जिनके पार
पानी का जाना संभव नहीं होता। इस विशेष तकनीक का इस्तेमाल नहरों के पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए उन नहरों के पानी के बहाव की दिशा बदलने के काम में भी किया जाता है। तो कहा जा सकता है यह आधुनिक क्रांतिकारी आविष्कार लोगों के लिए कितने सहायक साबित होने वाले हैं बाढ़ जैसी मुश्किल समस्याओं के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।